कहते हैं जो चुनौतियों से हार नहीं मानते उनके आगे जीत लिखी होती है। इन शब्दों को सच कर दिखाया है कटिहार के मिथुन ने। दरअसल कटिहार के हंसगंज में रहने वाले मिथुन की दूध बिक्री लॉकडाउन की वजह से कम हुई तो मिथुन नए अवसर तलाश लिए। मिथुन बरसों से दूध के कारोबार में जुड़े हुए हैं और वे मिठाई दुकान पर दूध की सप्लाई करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों ने जब दूध लेना बंद कर दिया तो पहले दो दिन मिथुन बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। मिथुन घर में ही रहकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसी दूध से पनीर बनाने लगे। इसका आलम ये हुआ कि 1 किलो पनीर से शुरू किए गए कारोबार से अब 10 किलो पनीर पर पहुंच गया है और हर दिन पनीर की मांग बढ़ती जा रही है। पहले हम दूध उठाते थे और जो है कि होटल में सप्लाई करते थे, 1 क्विंटल से अधिक दूध हम होटल में सप्लाई करते थे। होटल अचानक बंद होने के कारण जो है कि हम क्या करते, घर में भी 2-3 रोज बैठे, बैठने के बाद जो है मवेशी वाला सब भी आया तो वही लोग बोला कि नहीं पनीर बनाओ, पनीर बना के हम बेच रहे हैं। अभी बहुत बढ़िया भी बिक रहा है पनीर। अभी कितना से शुरू किया था पनीर? 1 किलो से बेच रहे थे, अभी दिन में लगभग 5 किलो बिक जाता है पर दिन का, और दिन बढ़ते जा रहा है। अभी मांग पूरा बढ़ रहा है, मांग हो गया, अभी आदमी सब परेशान करके रखा है और बहुत भैसान भी छोड़ दिए हम। अभी आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो घर का खर्चा निकल रहा है। हाँ, घर का खर्चा निकल जाता है, मवेशी सब भी खुश है। हाँ, दिक्कत चल रहा है, जब रोजगार बिजनेस बचने के बाद तो दिक्कत हो ही नहीं जाता आदमी को। परिवार हम लोग 5 परिवार आदमी हुए, इसी कारण से हम लोग सोचे कि किसी तरह से परिवार चलाएंगे, तो इसीलिए हम लोग बोले कि कुछ तो बिजनेस नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। इसीलिए हम लोग बोले क्या, कुछ आदमी बोला कि जब नहीं दूध का बिक्री है तो उसका सलाह लेके कुछ आदमी का, तब फिर हम लोग पनीर का बिजनेस शुरू किए और हम लोग दोनों पति पत्नी मिल के बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा मुनाफा और बढ़ती मांग को देखकर अब मिथुन आगे भी पनीर के कारोबार को ही बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। मिथुन अपने आप में एक उदाहरण भी है जो समाज के अन्य लोगों के साथ साथ खासकर व्यवसायी वर्ग के लिए एक खास सीख दे रहे हैं। कटिहार से न्यूज़ के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।